zabardast. Let's see. Shakespeare said, all the world is a stage and all the men and women are its player. They have entrance and they have their exit. Sari duniya ek stage hai aur sari duniya ke mard aurat jo hain wo iske mere player hain. Iska ek exit bhi hai aur iska ek entrance bhi hai. Aur ek insaan is duniya ke andar 7 stages se guzarta hai. हम वो सारी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे. ये एक जैक नामी एक करैक्टर है एज यू लाइक कॉमेडी के अंदर शेक्सपियर की. वो जैक नामी एक करैक्टर अपना मोनोलॉग देता है. वो मोनोलॉग देता है उसके अंदर बताता है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वेमेन आर इट्स प्लेयर दे हैव देयर एंट्रेंस एंड एग्जिट. और एक बंदा 7 स्टेजेस से अपनी लाइफ के अंदर गुजरता है. वो कभी एक बच्चा होता है, वो स्कूल गोइंग होता है, वो बड़ा होता है, वो आहें भरता है, वो लवर बनता है, वो उसके बाद सोल्जर बनता है, वो जज बनता है और फिर वो बूढ़ा हो जाता है. क्या तुमने नहीं देखा कि जिसको हम बड़ी लंबी उम्र देते हैं तो उसे लुटा देते हैं उसी हालत की तरफ जहां से वो आया है. क्या आपने होली कुरान को नहीं पढ़ा? ऐसे लगता है कि जैसे शेक्सपियर ने होली कुरान को पढ़ा हो. क्या तुमने नहीं देखा जिसको हम लंबी उम्र देते हैं तो उसे लुटा देते हैं उसी हालत की तरफ जिस वीक हालत से वो आया होता है. एक बच्चा होता है ना, वो वीक होता है बेचारा. इंसान का, ह्यूमन का बच्चा जो है वो बहुत वीक होता है. एक हाथी का बच्चा लें, एक गोट का लें, एक इवन डॉग का लें, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके बच्चे मजबूत होते हैं. यानी वो पैदा होते हैं तो बाजू का खड़े हो जाते हैं. लेकिन ह्यूमन का जो बच्चा है वो वीक होगा. वो बेचारा चल नहीं सकता, वीक होता है, मोहताज है. उसे हम उठाते हैं, कभी को हम उसे कपड़े पहनाते हैं, उसे हर चीज का वो मोहताज होता है. फिर वो ग्रो करता है. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वेमेन आर इट्स प्लेयर दे हैव देयर एग्जिट दे हैव देयर एंट्रेंस. और एक बंदा 7 स्टेजेस से गुजरता है. लेट्स सी दीज 7 स्टेजेस. चलें 7 स्टेजेस देखते हैं. हाँ जी, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे ये बताएं कि शेक्सपियर आपको लग कैसा रहा है? हाउ आर यू टेकिंग शेक्सपियर? यस सर, बहुत अच्छे सर. ये वही पोएम है जो हमने बीए में पढ़ी थी, ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज. यस, चलें थोड़ी सी समरी अपने वर्ड्स में बताएं. पहले बच्चा होता है, फिर स्कूल गोइंग होता है, फिर वो अपने बैग को ऐसे डिसीट के लेके जा रहा होता है, फिर वो लवर बन जाता है, फिर वो आर्मी में चला जाता है, फिर वो बीएड रख लेता है, और फिर क्या होता है, फोर्थ स्टेज. तो थर्ड ये लवर वाली हो गई. फोर्थ वो आर्मी में चला जाता है, बीएड रख लेता है, उसमें ऐसे पावर आ जाती है ऐसे चीते की तरह, शेर की तरह. और महात्मा का है. और फिर क्या? फातिमा, वेयर आर यू? तो फिर सर एंड पे होता है, उसके दांत भी गिर जाते हैं. और फातिमा, आर यू हियर? यस आई एम हियर. ओके, चलें देखें जी, सासा देखते जाएं, इंशाल्लाह समझ आएगी. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. दुनिया सारी एक स्टेज की मानिंद है. एंड ऑल द मेन एंड वेमेन्स, और इस दुनिया के सारे मेन एंड वेमेन्स, मेयरली इट्स प्लेयर, वो इसके प्लेयर्स हैं. वो यहाँ पे आए हैं अपना रोल अदा करने के लिए. अपना रोल अदा करेंगे और वहां से फिर पर्दा गिरेगा स्टेज के ऊपर और वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नए आ जाएंगे. आप जिस जगह पे बैठी हुई हैं, आंखें बंद करें और नोट करें, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या रहा है. हो सकता है कि किसी वक्त यहाँ पे कोई पौंड हो जहाँ पे आप बैठी हुई हैं. हो सकता है कि यहाँ पे कोई नोमैडिक किस्म के लोग पहले आके बैठे हों, उसके बाद दूसरे आए, तीसरे आए. जनरेशन टू जनरेशन बहुत चेंजेस आया और इतनी तरक्की हुई कि यहाँ पे जहाँ पे बैठी हुई हैं यहाँ पे घर बन गए. हो सकता है फील्ड्स हों. और आने वाले दौर में, आज से कुछ सदियां पहले, मतलब आने वाली आज से 100 साल बाद यहाँ पे क्या होगा, 200 साल 400 साल बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको नहीं पता. और शायद हमारा नाम लेने वाले भी कोई ना हो. मैं इसलिए कहता हूं कि जिंदगी हमेशा प्रेजेंट में होती है.
पास्ट गुजर गया, फ्यूचर पता नहीं कि आपने जीना है या नहीं, प्रेजेंट इज अ लाइफ। हमेशा जो इंसान प्रेजेंट में रहता है वो खुश रहता है, जो आने वाले का सोचता रहता है बार बार एंग्शियस रहता है, जो पास्ट का ऑब्सेसिव हो जाता है सोचता रहता है वो डिप्रेस्ड रहता है। लाइफ इज एट प्रेजेंट, ट्राई टू लिव नाउ। एंड ऑल द मेन एंड वेमेन आर मेयर प्लेयर्स, और ये सारी दुनिया के मर्द औरत ये क्या है, ये तो इसके प्लेयर हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, इसके एंट्रेंसेस भी हैं और इसके एग्जिट भी है, यानी आने के भी रास्ता है और बाहर जाने का भी यहां पे रास्ता है। एक साइड से पे हम आते हैं, इधर से आया, इधर से निकल गया, इधर से एंटर हुआ और इधर से निकल गया, मतलब रास्ते दोनों मौजूद हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंसेस, यानी इसके एग्जिट्स पॉइंट भी बने हुए हैं और एंट्रेंसेस पॉइंट भी बने हुए हैं। एंट्रेंसेस का मतलब होता है दाखिल होना और एग्जिट का मतलब होता है निकल जाना। यहां तक क्लियर है? आगे देखें, आगे द एंड वन मैन इन हिज टाइम, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, और एक बंदा एक शख्स एक वक्त में प्लेज मैनी पार्ट्स, वो बहुत सारे रोल अदा करता है। कभी वो बच्चा होता है, कभी वो यंग बन जाता है, बैग आ जाता है, बच्चा यंग बन जाता है, सोल्जर बन जाता है, जज बन जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मुख्तलिफ स्टेजेस उसके ऊपर आती हैं, बहुत सारे पार्ट्स जो है वो अदा करता है। और ही इज ऑल्सो प्लेइंग पार्ट्स लाइक फादर, हस्बैंड एंड सन, फादर, अंकल, सो मैनी पार्ट्स, ब्रदर, सो ऑल दीज पार्ट्स ही हैज टू प्ले। These are mere character they have to assume. He has to embrace all these character and he has to play. वो एक नहीं है। इंसान जानवर से बहुत मुख्तलिफ है। इंसान के अंदर एक cerebellum जो लगा हुआ है इधर खोपड़ी के अंदर, यहां पर अगर देखें back end पे, यहां पर एक छोटा सा जो 50% contain करता है आपके cell, उसको कहते हैं cerebellum। 50% इसके अंदर cells होते हैं, ये छोटा सा component है। सारी सोच, सारी प्लानिंग, फ्यूचर पास, सारा यहाँ पे सेव होता रहता है। भाई ये ऐसे नहीं बना, ये मिलियन ईयर का एक इवॉल्वमेंट हुई है इंसान के अंदर, तो फिर आपका ये बना है। अब ये पता किसको होगा? जो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस इसके अंदर है, नहीं तो वो तो कहेगा बस जी मैं ऐसे ही पैदा हो गया। भाई पहले नियंडरटल्स अगर आप हिस्ट्री पढ़े इंसानों की, तो वो तो जानवरों जैसे थे, खाते थे पीते थे और वो बस बंदरों की तरह उनके माइंड थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्वमेंट हुई, नियंडरटल से इंसान इवॉल्वमेंट, फिर सेरेबेलम उसके अंदर आया, यहाँ पे खोपड़ी के अंदर ये पीछे यहाँ पे उसके एक ऐसा कंपोनेंट डेवलप हो गया कि वो सोच सकता था, वो प्लान कर सकता था, वो नई नई चीजें अपने अंदर सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग आ गई। तो ये कैसे आई? ये बहुत लंबा प्रोसेस हुआ है। एंड वन मैन इन हिज प्ले इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक वक्त और इंसान एक वक्त में बहुत सारे रोल अदा करता है, एक रोल तो नहीं है। अब मैं आपसे ये कहूं कि आपका एक ही रोल है कि आप स्टूडेंट हैं, नो भाई, देयर आर मेनी रोल्स यू हैव टू प्ले, यू आर ह्यूमन बीइंग। आई नो यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यू हैव टू डील विद पेरेंट्स, यू हैव टू डील विद सिस्टर, यू हैव टू डील विद रिलेटिव्स, यू हैव डील विद फ्रेंड्स, यू हैव टू डील विद योर स्टडी, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ही और शी इज रनिंग विद इट। His act being seven ages, और इसका इसके जो सारे काम है, his acts being seven ages, और ये सारे काम वो seven ages में करता है। इसके सारे जो actions हैं वो seven ages पे divided है। At first in infants, पहले वो एक infants होता है, क्या करता है? Mewling and puking, mewling, puking का मतलब होता है क्या करना, इसका मतलब क्या, क्या करना, इसका मतलब रोना। वो नर्स के हाथों में, क्योंकि इन द नर्स आर्म, नर्स की बाहों में, वो छोटा सा होता है तो नर्स उसे ऐसे पकड़ती है, वो रो रहा होता है साथ, वो मीटिंग कर रहा होता है। एंड देन वाइनिंग स्कूल बॉयज, और फिर वो स्कूल गोइंग हो जाता है विद हिज सैचल, और उसके उसके पीछे उसने अपने बैग डाला होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका चेहरा चमक रहा होता है, क्योंकि जब बंदा जब स्कूल गोइंग होता है तो उसकी टेंशन बस स्कूल जाने की होती है और उसे कोई टेंशन नहीं होती, शाइनिंग फेस होता है, बड़ा जॉली किस्म का।
फेज, क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वो स्नेल इस स्नेल की तरह रींगता है। ये स्नेल मैंने आपको पिक्चर साथ बनाया, स्नेल की तरह रींगता है। अनविलिंग टू स्कूल, और स्कूल जाने से घबराता है, अनविलिंग होता है। आप छोटे बच्चे को देखें, वो स्कूल नहीं जाता, उसे कहते हैं यार स्कूल चले जाओ, वो कहता नहीं जाता, स्कूल जाने को दिल नहीं करता। एंड देन द लवर, और फिर एक वो लवर बन जाता है, साइंग लाइक द फर्नेस, और भट्टी की तरह जलता है। आप किसी लवर से पूछें कि वो कैसे जल रहा है, तो वो आपको बताएगा कि ऐसे जैसे किसी भट्टी से आहें निकल रही हैं, साइनिंग, किसकी साइनिंग, किसकी साइंस, साइंस और लाइक फर्नेस, जैसे भट्टी में जल रहा है। एक लवर बनता है तो वो भट्टी में आहें भरता है, उसके लिए मरता है, और अपनी परसेप्शन से पता नहीं क्या से क्या, एक छोटी सी चीज को फीलिंग इन्वेस्ट करके उसे इतना बड़ा बना देता है। मतलब ये इसका साइज इतना है, और जब आप इस पे फीलिंग इन्वेस्ट करें तो वो इतना बड़ा लगता है। यार ये तो कुछ सब कुछ यही है।